वो गाड़ी हिल रही है भाई, गाड़ी हिल रही है भाई, वो कौन जा रहा है गाड़ी? क्या बात है भाई, एक बार में ही बस डाउन करो या ऊपर प्रॉपर से ये देखिए टॉर्च मार रहा हूँ, विजिबिलिटी देखिए आप लोग बिल्कुल देखिए, यहाँ तक कभी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक कभी लाइट बंद करने के बाद भी ये देखिए कितना ज्यादा धुंध छा गई है यहाँ। जैन दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और नए कार कैंपिंग ब्लॉग में। आज जो अपनी होने वाली है ना वो होने वाली कार कैंपिंग, और मेरे साथ है देखिए आर्यन भाई। हेलो गाइस। और जो कैंपिंग होने वाली है वो बहुत ही एडवेंचर से भरपूर होने वाली है, क्योंकि जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना वो एक भालू का इलाका है। आज हम करने वाले हैं भालू के एरिया में कैंपिंग, और बहुत कोशिश रहती है भालू को कैप्चर करें, लेकिन भालू अभी तक हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन अपनी कोशिश है भालू को जब कैप्चर करने की, तो आज हो सकता है कि भालू भी कैप्चर हो जाए। कोशिश यही रहती है हर कैंपिंग में कि हम ज्यादा से ज्यादा जंगली जानवर को कैप्चर कर सके, लेकिन कोई नहीं जा रहे हैं उसी उम्मीद के साथ, देखते हैं वो तो आगे ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में क्या होता है, वो कैप्चर होता है लेकिन हम भागते हैं गाड़ी के। एक चीज है कैप्चर हो लेकिन दूर से हो तो ठीक है, पास ना आए बस बस। बाकी इसीलिए कार कैंपिंग करते हैं, जहाँ ज्यादा खतरा होता है वहाँ हम कार कैंपिंग करते हैं। और देखिए बाहर का व्यू, देखिए व्यू कितना मस्त है, ये देखिए सामने सनसेट होने वाला है, ये देखिए कितना अल्टीमेट व्यू है। बाकी बारिश का मौसम है आप देख रहे होंगे, पूरा धुंध छाई हुई है, देखिए सामने जो गांव दिख रहे हैं पूरा धुंध छाई हुई है, बारिश हो भी सकती है रात को, लेकिन बारिश का भी अपना अलग मजा है। तो चलिए पहले सीधा हम लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं, उसके बाद आपको सीधा लोकेशन पे मिलते हैं, क्योंकि अभी लोकेशन भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क हो सके। तो फ्रेंड्स लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आज जो अपनी कैंपिंग होने वाली है ना वो इसी लोकेशन पे होने वाली है, रूफटॉप टेंट के साथ। तो देखिए आज रूफटॉप टेंट है खुलने वाला है, पहले अपना टेंट भी खोल लेते हैं, उसके बाद आपको व्यू दिखाएंगे आसपास का, और हम भी देखेंगे व्यू के कैसा है, क्योंकि हमने तो आसपास अभी गाड़ी देखे प्लेन जगह में लगा लिया है, लेकिन इलाके का जाँच पड़ताल भी बहुत जरूरी है कि भालू आसपास तो हमले नहीं कर रहा, वो नॉलेज लेना भी जरूरी है, भालू का रास्ता कहाँ से है, कल कहाँ देखा गया था, वो सारी चीजें पहले एनालिसिस करी जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे स्टे किया जाएगा। तो चलिए पहले अपना टेंट को खोल लेते हैं। चलो तो अब करते हैं अपना रूफ टॉप टेंट ओपन ओपन, खींचो खींचो बस, अब आराम से इसको पुश करो, ऊपर से पकड़ो। क्या बात है भाई, एक बार में ही और क्या, बस डाउन करो या ऊपर प्रॉपर से ये। क्या बात है, क्या बात है, बस वह पुश करो, ये वाला पुश करो। रूफटॉप टेंट अपना लग चुका है, बस इसकी हम ये वो लगा लेते हैं ना सारी, हाँ विंडो ओपन करेंगे, विंडो ओपन कर लेते हैं, अब कर लेते हैं इसकी विंडो ओपन। ये देखो भाई विंडो बहुत इजी है इसको लगाना, कोई इतना बड़ा कलाकारी का ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे लोग कह देते हैं ना टेंट कैसे लगेगा, टेंट कैसे लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बस एक चीज है कि आपकी थोड़ा हाइट होनी चाहिए बस बस। अगर हाइट नहीं है ना तो दिक्कत होगी, वही है वही है। लेकिन एक चीज है इस लोहे के, इसके जो ना बस गाड़ी का शीशा बचा के रखना है, अगर ये यहाँ से निकल गया ना यहाँ से और ये गाड़ी में लगा तो गाड़ी की टैब बुला देगा शीशे की, बिल्कुल। और रात को बारिश आ जाए ना ड्राइवर तो मजा लगी है, यस सोने का जो रात को आवाज आएगी ना पानी की, हाँ। बस हाइट का ध्यान रखना, नहीं तो अपने साथ में स्टूल लेके घूमना है ना, मेरी हाइट बहुत है, मैंने तो लगा लिया, ये लीजिए तैयार है, बाकी अपना बढ़िया। तो फाइनली
फाइनली फ्रेंड्स देखिए अपना रूफ टॉप टेंट लग चुका है। तो आज होने वाली है अपनी फर्स्ट टाइम रूफ टॉप टेंट कार कैंपिंग, वो भी भालू के इलाके में। तो एक बार व्यू दिखा दे, आपको भी आसपास का व्यू दिखा देते हैं कि व्यू कितना अल्टीमेट है, क्योंकि मौसम बहुत मस्त हो रहा है और मौसम के साथ साथ बारिश के भी चांस है होने के। अगर बारिश हो जाए तो मजा ही कुछ और है, लेकिन फिलहाल हम भी एरिया को एक बार आसपास घूम लेते हैं और देख लेते हैं मॉल कैसा है, लकड़ी वकड़ी कलेक्ट कर लेते हैं। वोन फायर नहीं करना, नहीं ना? नहीं, चलो। एक तो गर्मी का मौसम है और बारिश आ गई तो वोन फायर से ही खराब है। और रूफटॉप टेंट का फिर फायदा क्या? इसीलिए तो है कि हम यहाँ पे बैठ के कुक करेंगे, अगर कुछ खतरा लगता है तो सीढ़ी के अंदर इसको ओपन करके रखेंगे, हम इसको खोल के बाकी अंदर की जाली लगा के रखेंगे, तुरंत खोल के अपने टेंट के अंदर। तो चलिए आप भी व्यू का आनंद लीजिए। देखिए अब शाम हो चुकी है और मौसम इतना ज्यादा खराब, अचानक से ना, ये तो था कि बारिश होगी लेकिन हमें ये अनुमान नहीं था कि बारिश इतनी जल्दी, हमें ये था कि रात को बारिश होगी, लेकिन ये तो रात होने से पहले ही इतना भयंकर तरीके से, देखिए पूरा ऐसे धुंध सी आई, जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा सर्दियों में उस तरीके, पूरा दिखना बंद हो रहा है, इतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, समझ लीजिए बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है, मतलब कि बीस कदम तक आपको दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा, इतना भयंकर तरीके से धुंध आई है। और बारिश भी धीरे धीरे देखियो आनी शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर पहले बारिश हुई भी है। बाकी हम लोग अपना गाड़ी में बैठ गए थे, टेंट वेंट हमने लगा ही दिया था पहले ही, लेकिन कोई नहीं, अब अपना डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारे सामने डिनर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका कारण ये है कि हम केवल यहाँ बैठ के बना सकते हैं क्योंकि बारिश पड़ेगी, सही बात है ना, और बारिश पड़ भी रही है गाइस धीरे धीरे। बाकी आपको मैं अभी आसपास का व्यू भी दिखाऊंगा कि कितनी ज्यादा धुंध है। तो एडवेंचर तो है, एक तो भालू के इलाके में कैंपिंग है तो एडवेंचर तो इसलिए हुआ है क्योंकि भालू के इलाके में आप भी जानते हैं कितना ज्यादा एडवेंचर है होता है, हमेशा कैंपिंग करना कितना ज्यादा रिस्क है। और ऊपर से जो है आर्यन भाई, यहाँ जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बारिश। रेन कैंपिंग हो गई है अपनी, लेकिन वो भालू के इलाके में भाई, ये है कि जल्दी से अपनी कुकिंग हो जाए और अपना रूफ टॉप टेंट में चले जाएंगे आराम से, बाकी लाइट वाइट सब अपने पास रखो, ठीक है ना, सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी सबसे पहले है, उसके बाद कैंपिंग है, पहले हम सेफ्टी है उसके बाद कैंपिंग करेंगे। बाकी डिनर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि अंधेरा हो ही आया है लगभग, क्योंकि टाइम देखिए 8:30 होने वाले हैं टाइम। आपको लग रहा होगा ऐसा कि लाइट सी जो नजर आ रही है धुंध की लाइट है, ना कि वैसी है, बाकी अंधेरा हो चुका है। इतनी सी जगह जिसके नीचे हम बैठे हैं, बस इसमें पानी करो ना, ये तो गैस को चालू करो मेरा, बट डिनर कैसे कैसे बनेगा ये तो हम भी जानते हैं, वो भी ऐसे इलाके में, ऐसे इलाके में कितना डिफिकल्ट है इस इलाके में, क्योंकि ये भालू का आराम से गैस कम जला कर मुंह फेस जला देगी फेस। हाँ ये मेरा से सिलेंडर का इस्तेमाल भी हमें इसका ही करना पड़ रहा है क्योंकि ये ही सही है, उसमें अगर बारिश चली गई तो चलता भी नहीं है, हम पानी को गर्म होने देना पहले, ठीक है ना, चॉपिंग की तैयारी करते हैं। आज तो आप लोग ये सोचिए कि डिनर जो है ना हमारा वो इतने फास्ट तरीके से बनेगा कि आज तक इतना फास्ट हमने कभी खाना बनाया नहीं, फास्ट क्या हम दिखा कम पाएंगे आप लोगों को, उसका रीजन ये है कि अभी हमने फोन बारिश में रख रखे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, फोन खराब होगा तो जाएगी बस, तो इसलिए हमने फोन भी बारिश में रख रखे हैं। देखिए बारिश पड़ रही है, अभी पानी छू रहा है, बहुत भयंकर है, ऐसा नहीं है, और देखिए पूरे में धुंध छाई हुई है, पास्ता नाश्ते में खाया जाता है लेकिन हमारा डिनर चल रहा है, बत्ती जली है ना, क्योंकि खतरा खतरा तो देखा भी जाए, दिक्कत ये है ना, विजिबिलिटी खत्म है और दूसरा बारिश लगातार तो बनाएगा और भैया कैंपिंग का नाम, लेकिन भाई कम्फर्ट आगे से टार्प खरीदना पड़ेगा, टार्प लेना पड़ेगा, अगर आपको कम्फर्ट चाहिए तो कैंपिंग में ना आए, आप अपने घर पे रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं बस, आप भाई कम्फर्ट
बस मन में ये सोच लेना कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी जगह अपने आप को सोच लेना, डागर की जगह में दो बंदे देख रहे हैं बैठे हुए। पास्ता डालो, मैं इतना सब्जी को चॉप करता हूँ, ठीक है ना, टमाटर और प्याज को स्पाइसी वाला बनाएंगे, चटपटा वाला। चल भाई चॉपिंग वॉपिंग करो और इधर अपने पास्ता बॉयल, ये सामान इधर रखे रहो, है ना, क्योंकि सील जाएंगे सारे मसाले। बाकी देखिए चॉपिंग, आज क्या बनेंगे, एंगल भी चेंज नहीं हो पाएंगे, उसका रीजन यही है कि यहाँ स्पेस नहीं, देखो गाइस विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है, दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, इसे रेड जला के देखता हूं, टचर नहीं, इसकी विजिबिलिटी खत्म है भाई, दिख रही है इसकी, दिख रही है थोड़ी जल्दी, मैं दो ही जल्दी है जोर से ये दिक्कत हो भाई, चौकस रहो आज, बैठो आर्यन भाई, ध्यान रखो बस, अब जल्दी जल्दी अपना डिनर बनाओ, लापरवाही नहीं बरतनी एक मिनट की भी, ये विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है, जीरो है, वैसे आंखों से दिख रहा है नॉर्मल थोड़ा सा, लेकिन लाइट तो आप जानते हैं कि ये जो व्हाइट कलर की लाइट होती है ना, इससे कोहर में दिखता नहीं, जो कोहरा होता है ना दूध होती है, इसमें हमेशा मून व्हाइट कलर जो होता है ना, येलो येलो, हाँ मून व्हाइट कलर, उससे दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखता। तो देखिए कितना बुरा हाल है कि लाइट से भी हम किसी जानवर को नहीं देख सकते, और यहाँ भालू 101% आएगा ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि आएगा, 99 साल के पेड़ बोलते हैं, रांच भी बोलते हैं, साल भी बोलते हैं, साल के पेड़ पे जो फूल आते हैं ना उसको भालू बहुत ज्यादा पसंद करता है, जहाँ ये होते हैं ना वहाँ हमें ध्यान रखना, बारिश लगातार पड़ी और हमारी लाइट भी बारिश में ही है, लाइट भी, कैमरे भी, मोबाइल भी लाइट भी खड़े इस टाइम पे, तो बस लोगों ना हमें ये दिखाना है कि कैंपिंग कितना ज्यादा डिफिकल्ट काम है, ये आसान नहीं है, सोचते ना घर में बैठ के आप लोगों को आसान लगता होगा, इतना आसान नहीं है, चीज हमारी है कि भाई बारिश पड़ी है ना, लकड़ियां हमें मिली नहीं, सूखी गीली मिली तो वो नीचे पड़ी भी है, गीली है वो भी, सूखी नहीं है, हम भी ऐसा है, जब हम भी कैंपिंग नहीं करते थे ना, हम भी सबको फेक बताते थे, क्योंकि जब तक आप लोग जंगल में नहीं रुकोगे ना, आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी, बिल्कुल भी ना पता लगे, आओगे तब पता लगेगा क्या सीन है क्या नहीं, और पहली बार में भी नहीं पता चलेगी, जब तक आप अपनी आंखों से देखना ले, कानों से सुनना ले, कानों से आवाज सुनना ले ना, तब तक जब तक आप एक बार जो बंदा पे गाइस बार बार रुक रुक के साउंड आ रहा है, बार बार कुत्ते जैसा साउंड, अब कुत्ते जैसा साउंड गाड़ी के पीछे भी ध्यान देना, आगे बैठे क्योंकि कोई भी चीज आड़ लेके आती है हमेशा, आड़ भी पीछे से तो हमेशा, कोई भी भालू तो सामने से करता है, अगर सामने से आ रहा है लेकिन अगर पीछे से आता है तो पीछे से पकड़े भालू, लेपर्ड से इतना नहीं लगता, लेकिन ये जो आज में भालू हाइना है ना, ये तो भाई बहुत टाइम है, देखिए अपनी वेजिटेबल तो कट चुकी है, टमाटर और प्याज कहीं पर रख देता हूँ, चप्पल नहीं है, छोड़ो कोई नहीं, चप्पल छोड़ो, मेरे पास डंडा रखा है इधर, चलो डंडा रखा है मैंने, ध्यान रख, देखो गाड़ी का लॉक खोल रखो, खुद गाड़ी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, ये जो ये बारिश का डर नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी
टॉर्च के मुकाबले तो बिना टॉर्च मारे ही क्लियर दिख रहा है। टॉर्च से तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे अंधापन आ गया, मतलब मेरी आंखें ही धुंध हो जा रही है बंद। देखने हो गया ना, पकड़ के रखो इसको, थोड़ा फ्लेम को हाई कर दो, जल्दी हो जाए अपनी। हाँ चौकी बन गई सर, चलो बढ़िया चौकी हो गई अपनी, जल्दी फास्ट इसीलिए बना रहे हैं जल्दी बन जाएगा। बस आप लोग भी पूरा ऐसा देखो, कुछ भी देखो गाइस अभी आपको व्यू कितना भयंकर हो चुका है यहाँ। देखिये टॉर्च मार रहा हूँ, विजिबिलिटी देखिए आप लोग, बिल्कुल देखिए यहाँ तक कभी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक कभी लाइट बंद करने के बाद भी। ये देखिए कितना ज्यादा धुंध छा गई है यहाँ, और ये पूरे पेड़ थे जो थोड़ी देर पहले सब कुछ दिख रहा था इधर का, और अब देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी। इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और देखिए इधर अपना जो है ना वो पास्ता बॉयल हो रहे हैं, बाकी वेजिटेबल मैंने काट दिया। और ये देखिए ये पीछे भी इसीलिए हमने एक लाइट लगा रखी है ताकि थोड़ा सा कम से कम इधर रोशनी है। ये देखिए विजिबिलिटी देखिए आप लोग, डाउन विजिबिलिटी है। ये देखिए पूरा कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा इतनी दूर का भी। तो भालू किसी भी टाइम हम पे अटैक कर सकता है क्योंकि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कितना ज्यादा खतरा है, कितना ज्यादा रिस्क है, इसीलिए जल्दी जल्दी अपना डिनर बना रहे हैं। डिनर हल्का बनाने का भी अपना यही रीजन है, हल्का यानी कि लाइट जो जल्दी बन जाए, तो इसीलिए यही कारण है कि जल्दी डिनर बन जाए ताकि अपना जल्दी से हम टेंट में जा सके। बाकी आप देखिए आज जो है वो अपनी जो है ना वो रूफटॉप टेंट कैंपिंग है, रूफटॉप टेंट कार कैंपिंग है। इसके साथ में ये है, इसके साथ में सेफ्टी है क्योंकि हम ऊपर रहेंगे सेफ रहेंगे। गाड़ी में सोने में बहुत दिक्कत होती है और ग्राउंड टेंट होता है उसमें सेफ नहीं रह पाते, बहुत खतरा होता है। लेपर्ड के इलाके में हम कर लेते हैं कैंपिंग, लेकिन भालू के में की तो है लेकिन खतरा बहुत ज्यादा रहता है। वह जल्दी से अपना डिनर बनाते देखिए क्योंकि बारिश जो है ना वो कंटिन्यू पड़ रही है, कंटिन्यू। एक बार और दिखाता हूँ आपको लास्ट में विजिबिलिटी, ये देखिए बिल्कुल डाउन विजिबिलिटी है। ये देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ भी। चलो आर्यन भाई चलो चलो, अब अपना जल्दी से हम डिनर बनाते हैं और फिर अपना टेंट में चलते हैं क्योंकि बाहर रुकना यहाँ सेफ नहीं है, एक एक मिनट बहुत खतरा है। अरे भाई पास्ता बॉयल हो गया क्या? हाँ जी पास्ता बॉयल हो चुके हैं, तो निकालो पास्ता में ऑयल निकालता हूँ। बारिश बहुत भयंकर हो रही है, बहुत भयंकर हो रही है, और आप लोगों को एंजॉय करा सके इसलिए हम लोग ना अपना कैमरा भी बारिश में रख रखा है। पूरा बहुत भयंकर तेज तरीके से पानी बारिश हो रही है, तब भी कैमरा बारिश में रख रखा है क्योंकि रिस्क है, लेकिन आप लोगों को पूरा एडवेंचर देना है, सब कुछ दिखाना है ताकि आप लोग जान सके कि हम किस तरीके से यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। हम इसमें बनाएंगे बस, जल्दी से पास्ता बनाते हैं आज भाई। इसकी थोड़ा फ्लेम हाई करो, इसको हाथ में पकड़ के रखो, बनाते रहो फटाफट ना, बंद करो इसे थोड़ा कम करो। बारिश कितनी तेज होगी, बहुत भयंकर बारिश होगी, अब हमें फोन उतारना पड़ेगा आपको यहीं से। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी इसलिए हम कैमरा उठा के बाहर से ले आए हैं। बारिश तो पहले से हो रही लेकिन अब इतनी तेज होने लगी है कि हमें कैमरा अपने पास लेकर आना पड़ा है हाथ में। ये देखिए कितनी भयंकर धुंध छाई हुई है और इधर अपना डिनर बन रहा है। आर्यन भाई ऑयल डालो इसमें, डिनर तो पकड़ लो, खतरा बहुत भयंकर खतरा इतना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा खतरा खतरा। हम इसलिए आप लोग कहते हैं खतरा खतरा करते हो तो जाते क्यों भाई, बताना तो पड़ेगा ना यार कि खतरा है। अब खतरा है लेकिन हम फिर भी यहाँ रुके हैं ना। ये देखिए ऊपर से पानी छू रहा है टेंट के भी ऊपर से। प्याज टमाटर भून चुके हैं, अब मसाला ऐड करते हैं। नमक डाल दूं? नमक डालो, नमक हल्के डालो क्योंकि मैंने उसके अंदर भी डाला है नमक। नमक बॉइल करते टाइम है ना, और बाकी अब डालता हूँ इसमें से मिर्ची, लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डालना, चटपटा होना चाहिए, खाएंगे अच्छे से। या पास्ता हो जाए कुछ भी हो स्पाइसी बनाएंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये बढ़िया जाना चाहिए। ठीक है इसको चलाओ, आपने वो पकड़ रखा मैं चलाता हूँ। ठीक है देखो आज कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मेहनत लगती है, एक हाथ से फोन पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से देखो भाई एक हाथ ये चला रहा है, एक हाथ से फोन पकड़ रहा है, एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा डागर बैठा है, और एक हाथ में डागर के फोन है, देखो ये और मेरे एक हाथ में ये और एक हाथ में फोन है। बहुत कठिन काम है टेंट कैंपिंग में, टेंट कैंपिंग में आसान है अगर लॉबी वाला टेंट है ना अपने पास।
करते हैं ना, लगाया नहीं ना, गलती कर दी ना। हाँ सारे यार ऐसी लोकेशन पर लगता है क्या, वही तो प्रॉब्लम। मोबाइल का सूट करो वो काम हो रहा था, अब बारिश हल्की पड़ गई है इसलिए अपनी लाइट लगा दी पीछे। और भाई खतरा लेकिन जैसा का तैसा ही है भाई, खतरा तो भाई कंटिन्यू बना हुआ है, खतरा तो यहाँ बंद करो डन है। तो फिर गैस क्यों चला रखी है तुमने ये बताओ, क्या रख दो उसको कोई यार अपने पास्ता बढ़िया। अभी चार चांद लगाऊंगा, क्रीम डालूंगा ना अभी इसमें, ओहो क्रीमी पास्ता बनेगा ना ये। वही साल का चलाता हूँ ज्यादा गर्म ना, ये बन गया क्रीमी पास्ता, बढ़िया खाना चाहिए। पेड़ पे कोई चल रहा हो लेकिन कोई नहीं, खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी लेना उसको ही खाते हैं ठीक है ना। पहले अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, बारिश तेज आनी शुरू हो चुकी है और अब बारिश तेज हो गया, बारिश तेज शुरू हो उससे पहले मूसलाधार बारिश हो, हम अपना डिनर को कंप्लीट करते हैं, सेटअप को खाते हैं और चलते हैं टेंट के अंदर। चल भाई अपना रूफटॉप टेंट के अंदर आ चुके हैं, अब आए हुए थे हमें काफी देर हो गई लेकिन अब बारिश रुक चुकी है, तब से हम आराम से लेटे थे भाई, दोनों बात कर रहे थे। देखिए इधर आर्यन भाई लेटे हैं और काफी टाइम हो गया है, लगभग 10:30 बज गए हैं। बस देखिए अपना रूफ टॉप टेंट और बाहर का व्यू, ये देखिए बाहर का व्यू देखिए, अगर नजर आ रहा हो तो, कुछ आ नहीं रहा जाली से नजर, बाकी अपना आराम से सोते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं। थक क्या, बारिश में आप जानते हैं कि हमने डिनर भी कैसे कैसे बनाया है, कंटिन्यू बारिश हो रही थी लेकिन अब जाकर रुक गई है, जब हम ऊपर आ गए उसका आधा घंटा बाद बारिश रुक गई। अब अपना आराम से दोनों भाई सोते हैं, कोशिश रहेगी अगर भालू की आवाज आती है ना तो हम भालू को कैप्चर भी करें। रूफ टॉप टेंट इसीलिए बेस्ट है, इसीलिए हम रूफ टॉप टेंट कार कैंपिंग करें ताकि हम भालू को कैप्चर कर सके, क्योंकि भालू को हम टेंट कैंपिंग में कैप्चर नहीं कर सकते, लेपर्ड को कर सकते हैं लेकिन भालू को नहीं कर, लेकिन हम रूफ टॉप टेंट में सेफ है लेकिन उस हद तक भी नहीं है। अगर भालू टेंट पे चढ़ गया ना कोई ये कह देगा ना 100% है, नहीं 100% सेफ नहीं है। अगर भालू नीचे है तो आप सेफ हो, आपको हिम्मत बनी, लेकिन भालू इस टेंट पे भी हमला कर सकता है क्योंकि आप जानते हैं वो कहीं भी चढ़ सकता है, बोनट से चढ़ जाएगा आपकी, अरे वो तो भाई पेड़ पे चढ़ जाता है तो उसकी गाड़ी को हाइट कितनी, 4 फुट गाड़ी की हाइट, बस वही है जमीन से। तो कोई नहीं गाइस जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अपना सोते हैं, टाइम बहुत हो गया, नींद आ रही है भयंकर वाली क्योंकि बहुत जल्दी आ गए थे हम कैंपिंग करने के लिए, और डिनर में भी आप जानते हैं 5 खा के काम चलाना पड़ा वो भी बारिश के कारण। तो चलिए मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट आर्यन भाई, गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट गाइस, कोई चीज बाहर है टेंट के, क्योंकि आवाज नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी पे चढ़ी है, वही चीज कह रहा हूं बोनट पे चढ़ी मुझे लगी, मुझे वैसे लगा। देखिए 12 बजने वाले हैं, 11:55 हो रहे हैं। आर्यन भाई नींद बहुत भयंकर आ रही थी मेरे भाई, सो गया था, ऐसे गाड़ी चलाई किसी ने, इधर से ये बोनेट की तरफ से आवाज है भाई, इधर से इधर से मेरी तरफ से, मेरी तरफ से देख, चलने की आवाज आ रही है, चलने की आवाज आ रही है भाई, गाइस को चलने की आवाज आ रही है, चलने की। ओ भाई ओ भालू भालू गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, हाँ तो बोनट उतर को पक्का, क्योंकि खिंचवा आ जाएगी बोनट की,
तुझे बोनट की पड़ी है जान मिल जाएगा पक्को भाई बोनट तुझे देख लीजिए सुबह हो उधर चिल्ला रहा हूँ उधर चिल्ला रहा हूँ भाग रहा हूँ इधर रहो हो गाइस भागो हो उधर का ये तो ट्रेंड का चार्टर पे घूम रहा गाड़ी के भाई तू ही दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है तो ओ गाइस ये तो गाड़ी के चार्टर पे घूम रहा भाई ओ भाई ओ कितनी तेज आवाज कर रहा है ओयो इंगे गाओ इंगे इंगा को फॉरन भाई फंस गए भाई भाई गाड़ी से नीचे नहीं उतर ना 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 भाई आज बच गए इसी वजह से बच गए कि हम रूफटॉप टेंट में भाई बारिश बंद हो गई इसलिए आ गए वो पक्का बारिश बंद होती है सारे जानवर निकलते हैं जानवर रात को अपने शिकार क्योंकि बारिश के बंद हुए भी तो करीबन डेढ़ दो घंटा होता है रात को 11-12 बजे निकल नींद भयंकर आ रही थी भाई मुझे तो भाई मुझे नींद आ रही मैं गाड़ी पर धड़ते आवाज करिए मेरी तो आंख खुल गई पूरी चौक के मकान में उठो पक्को भाई गाड़ी पे वो गाड़ी ले लिया भाई गाड़ी ले लिया भाई वो कौन ही जा रहा है गाड़ी ओ भालू ओ ये भालू गाड़ी ला रहा भाई आज तो फंस गया रे भाई ओ इधर इधर हो इधर जा इधर जा वो क्या करो अब भाई लाइट बंद कर लाइट बंद कर लाइट बंद कर लाइट बंद कर लाइट बंद लाइट बंद तो करेंगे भाई कम से कम हमारे पास सबूत तो रहेगा कुछ इन लोगों को हम इतना चैलेंज कर रहे हैं गाइस को कुछ तो बताएंगे ना है भाई वो हमला कर देगा लाइट बंद कर सही बताऊं अरे इस पे ऊपर नहीं आने का यार गाड़ी पे इसीलिए तो रूफटॉप टेंट में सेफ हो लेकिन अपनी गाड़ी को बचाना हो आवाज करो भाई आवाज करो क्या करो चुप बैठ चुप बिल्कुल चुप बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल साइलेंट यो जाने का नहीं यार यो नहीं जाता है भालू हो भालू आराम से हम लाइट को ऑन कर रहे हैं लेटते हैं देखते हैं अगर दोबारा भी इसी तरीके देखो आवाज आ रही है टेंट के चारों तरफ भालू घूम रहा है लेकिन हम साइलेंट होके लेटते हैं नहीं तो ये हम पे और ज्यादा हमला करेगा गाड़ी के बोनट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है चाकू वाकू सब अपने पास रख लो अगर इधर से चढ़ेगा ना तो जाली में कोई पार कर देना है सारा चाकू ले लिया मैंने चाकू हाँ चलो बैठो आराम से लेटना नहीं है बैठना रहे भाई खड़े हो जाओ यार बैठो यार हमला कर देगा मेरे भाई नींद उतारो यार फ्रेंड्स आप बहुत ज्यादा बारिश थी भयंकर हो रही है बहुत भयंकर कंटिन्यू बहुत देर होगी आर्यन भाई भाई पूरी रात हो गई और देखिए टाइम देखिए 5 बजने वाले हैं और देखिए कितनी तड़तड़ की आवाज आ रही है बहुत भयंकर बारिश है बहुत भयंकर इतनी तेज तड़तड़ की आवाज आ रही है और देखिए बादल गड़गड़ने की आवाज सुनिए खतरनाक भाई मूसलाधार हो गया पूरी रात बहुत भयंकर है अलर्ट यह अलर्ट है बारिश बस आराम से सोते हैं कि उठ रहे कोई फायदा नहीं है ठीक है ना आर्यन भाई क्योंकि आज तो अभी लगी मुझे लगता है हम सोए होंगे ज्यादा ज्यादा 3-3.5 बजे हाँ 2:30 बजे के आसपास अपने आप आग बंद हो गई होगी क्योंकि 2 बजे जग रहे थे हम लोग गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं और देखिए बाहर का व्यू देखिए ये देखिए अभी धीरे धीरे बारिश हो रही है नगर तो उठ के बाहर चला गया फ्रेश होने के लिए मैं भी उठ चुका हूँ बस अब अपना नीचे उतरते हैं देखते हैं ब्रेकफास्ट में कुछ बनाते हैं या क्या करते हैं क्योंकि टाइम 6:30 हो चुके हैं और अब यहाँ से जाना भी है तो इसलिए जग चुके हैं तो चलिए अब सीधा नीचे उतरता हूँ फ्रेंड्स ये सोचा था कि पहले नाश्ता बना ले लेकिन नाश्ता बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बस यहाँ से जाना ही पड़ेगा अपने को अब क्योंकि ये देखिए बाहर का मौसम देखिए कितनी भयंकर करके बारिश हो रही है देखिए कंटिन्यू बारिश पड़ रही है बहुत भयंकर ऐसी बारिश में बाहर बैठना आप भी जानते हैं पॉसिबल नहीं है देखिए बाहर भी कितनी बारिश हो रही है जहाँ पे हम बैठे थे यहाँ देखिए पूरा बारिश ही बारिश है रात का डिनर ही कैसे कैसे बन गया वो ही बहुत आप जानते हैं आपके सामने था रात डिनर हमने कैसे कैसे बनाया था कितनी बारिश थी अब सुबह होती फिर बारिश पड़ने लगी है बहुत तेज तेज बस तब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं पूरी रात बारिश टेंट को क्लोज करेंगे उसके बाद यहाँ से
अपना निकलेंगे, इंतजार करने के थोड़ा बारिश कम हो और हम टेंट को क्लोज करें और यहाँ से निकल सके। बाकी गाइस रात को भालू था 101% था, क्योंकि गाड़ी पे भी स्क्रैच के निशान है और मैं आपको दिखाता और साइड से हमारा गाड़ी का बम्पर भी उखड़ा हुआ है। कोशिश करेंगे बारिश रुकी तो वो भी आपको दिखाएं, लास्ट में क्लिप डाल देंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, क्योंकि गाइस हम लोग बहुत रिस्क लेते हैं और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो के लिए। ऐसे नहीं बनता एडवेंचर, ऐसे नहीं किया जाता, ताकि आप लोगों को घर बैठे बैठे हम एहसास करा सके कि जंगल में किस तरीके से रुका जाता है, किस तरीके से सर्वाइव किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।